हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर को पूरी तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, पूरे 10 लेक्चर्स के साथ। कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने अगर एक भी वीडियो मिस करी है, तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दे दी गई है। आप पहले आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर को कंप्लीट करिए और फिर आज के लेक्चर को आप देखिए। तो आज के इस बेहतरीन से सेशन जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म, इसमें आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म। और अगर और मैं थोड़ा बताऊं तो आइसोमेरिज्म के साथ में, जिसमें हम आपको आज पूरा आइसोमेरिज्म क्या होता है वो बताएंगे, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म बताऊंगा, और इसके साथ मैं आपको चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर भी कराऊंगा। इसके साथ ही हम आपको चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर के लिए एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक बताने वाले हैं, जिससे आप कंपाउंड देख करके ही ये बता पाएंगे कि ये चेन आइसोमर है या पोजीशन आइसोमर है। जैसे कि क्वेश्चंस आपसे कई बार पूछे जाते हैं नीट में भी, जेई में भी, या अगर आप 11th या 12th क्लास में हैं तो भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और आप इस लेक्चर को अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करिए, ठीक है? अपने इस लेक्चर को, इस चैनल को आप सब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिए, ठीक है? अब हम लोग आज आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का ये पहला लेक्चर है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि आइसोमेरिज्म को पढ़ने से पहले आप लोग आईयूपीएसी जरूर पढ़ लें, अदरवाइज आपको आइसोमेरिज्म कम समझ में आएगा या हो सकता है आपको ना भी समझ में आए। तो या हो सकता है आप लोग छोटी क्लासेस में हो, जैसे 9th या 10th में हो, आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। और आप उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर करिए जो आगे डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं। वो शायद 9th या 10th क्लास में हो सकते हैं, आगे उनकी केमिस्ट्री चॉइस हो सकती है कि हम केमिस्ट्री आगे लेकर के और नीट और जेई के एग्जाम्स देंगे, तो आप जरूर उनको ये चैनल रिकमेंड करिए और उनको ये चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है? क्योंकि बहुत बेहतरीन कंटेंट बहुत आसान भाषा में और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं यहाँ पर, तो आप उनको जरूर ये चैनल रिकमेंड करिए। आइसोमेरिज्म के पहले लेक्चर में आज हम लोग शुरू करने चल रहे हैं। चलिए देखिए, आइसोमेरिज्म, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो रही है यहां पर, तो आइसोमेरिज्म ये जो लिखा है इसको बाद में समझते हैं, पहले हम जरा आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक है आइसो और दूसरा है मेरिज्म या आइसोमर, ठीक है? इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है आइसो और एक है मर। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का क्या मतलब होता है? सेम। और मर का मतलब होता है पार्ट, ठीक है? मतलब दो सेम चीजें, मतलब दिखने में वो एक जैसी हों लेकिन उनका फंक्शन अलग अलग हो, उनका काम अलग अलग है। तो दो ऐसे कंपाउंड्स, दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका जिनको देखने में तो वो एक जैसे लग रहे हैं लेकिन उनका काम अलग अलग है। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल आपको बताऊं तो हमारे भारत के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, और फॉरेन में एक एक्टर है जिनका नाम है विन डीजल, दोनों दिखने में एक जैसे हैं लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। इसी प्रकार से अगर हम केमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो जो दो कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड, ठीक है, दो कंपाउंड या उससे ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम,
मॉलिकुलर फार्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, और इसी के वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया। यानी दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड्स जो दिखने में एक जैसे हों, दिखने में एक जैसे होने का क्या मतलब है कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी क्योंकि उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। इज इट क्लियर? वेरी क्लियर। तो आइए पढ़ते हैं कि यहां पर इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। डेफिनेशन में बेटा लिखा हुआ है द फिनोमेना ऑफ टू कंपाउंड्स having same molecular formula, मैंने भी बताया having same molecular formula but have different properties, ठीक है, is called isomerism। ये क्या कहलाता है? isomerism कहलाता है। और जो compound होते हैं वो आपस में क्या कहलाते हैं? isomer कहलाते हैं। is it clear? definition एकदम clear है। लेकिन अगर आप competition की तैयारी कर रहे हैं, जैसे नीट या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको इतनी बड़ी डेफिनेशन से क्या मतलब है? एक छोटी आसान भाषा में समझाइए, शॉर्ट नोट किसे कहते हैं वो बताइए। तो शॉर्ट नोट इसे समझो, देखो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, सिर्फ छोटा सा दो अक्षरों में मॉलिक्यूलर फार्मूला MF सेम, तो डिफरेंट क्या होगा फिर? ये सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला मैं कहूं, अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला कहें और स्ट्रक्चरल फार्मूला को हम क्या कह सकते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसी से इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बनेंगी, तो वो क्या हो जाएंगी? डिफरेंट हो जाएंगी। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये क्या है? ये क्या है? आइसोमर है। एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो अब मैं आप बताओ मैं आगे बढ़ूं और आपको टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की तरफ लेकर के चलता हूं। टाइप्स ऑफ आइसोमर बेटा दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फर्दर कई क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। जैसे आप अगर मान लेते हैं कि आप 11th या 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपको इसको याद करना है, तो याद करने का एक तरीका है। इस कई बारी आपके स्कूल्स में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्लासिफाई द या टाइप राइट द टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, यू नो, तो इसको आप कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो उसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप टाइप्स ऑफ आइसोमर हेडिंग डालेंगे और उसके बाद आप स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दो आइसोमेरिज्म आप लिखेंगे। और इसके बाद इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। इसको याद करने का क्या तरीका है? CPFM RT, ठीक है, CPFM RT। C का मतलब होता है चेन आइसोमेरिज्म, P का मतलब होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, F का मतलब होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, M का मतलब होता है मेटामेरिज्म, R का मतलब होता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, T का मतलब होता है टॉटोमर या टॉटोमेरिज्म। ठीक है, इन सब से क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस आपके टॉटोमेरिज्म से मिलते हैं क्योंकि ये आपके रिएक्शंस में भी पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, जैसे कई बार आप देखते होंगे कि अब यहाँ पर हम टॉटोमेरिज्म करा रहे हैं, तो क्या होता है टॉटोमेरिज्म, ये आप आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे। इसीलिए एकदम बेसिक से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं हम। IUPAC पढ़ाया, फिर आइसोमेरिज्म पढ़ाया, आप पढ़ा रहे हैं, इसके बाद फिर GOC पढ़ाएंगे, फिर हाइड्रोकार्बन पढ़ाएंगे। इतने बेसिक से चलेंगे, आपका एकदम बेस भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे और आप जेई भी या नीट या जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सब क्लियर होगा। ठीक है, बस आप मन लगा करके इस चैनल पर जुड़े रहिए। ठीक है, अब देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जैसा कि हमने आपको बताया वो यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं। अब अगर बात करें तो पहला क्या है? चेन आइसोमेरिज्म, मैंने आपको बताया, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल मेटामेरिज्म, रिंग चेन और टॉटोमेरिज्म। याद करने का तरीका बता दिया।
अब देखिए जो स्टीरियो आइसोमर होते हैं बेटा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरीके के होते हैं, एक कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और एक कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म। जो कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म होता है वो ऑप्टिकल आइसोमर और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं कन्फिग्रेशनल। ठीक है, ये होते क्या है और इसको कैसे पता करेंगे कि क्या है, ये सब चैप्टर में जैसे जैसे हम हमारे लेक्चर्स आते जाएंगे आप चीजों को समझते जाएंगे। ठीक है, सारी चीजें आप बहुत आसान भाषा में समझ पाएंगे। ठीक है, एकदम टाइप क्लियर, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्लियर, टाइप क्लियर। ठीक है, अब हम पहला चीज आपको बताने चल रहे हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। देखो, ये पढ़ने से पहले आप एक चीज मुझे बताइए कि अभी तक आपने क्या पढ़ा, आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हुआ। आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि मॉलिकुलर फार्मूला सेम, डिफरेंट क्या होगा उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। यानी कि स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट का क्या मतलब हुआ कि जो बॉन्डिंग होगी एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो बॉन्डिंग होगी वो डिफरेंस हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगी। यही तो हुआ। तो भाई देखो क्या लिखा हुआ है, देखो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है भाई ये आइसोमेरिज्म का, और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, इट मींस दे डिफर इन बॉन्डिंग सीक्वेंस। इसका मतलब क्या है कि वो बॉन्डिंग सीक्वेंस में डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा बॉन्डिंग सीक्वेंस में किसका, ऑफ एटम्स। मींस दे डिफर इन डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट कनेक्टिविटी। ठीक है, उनकी कनेक्टिविटी में डिफरेंस हो जाएगा। अब कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये ए बी सी और डी, ये चार कोई भी कुछ भी मान सकते हो कि ये चार चीजें हैं कोई, और वो ऐसे सीक्वेंस में अरेंज है ए बी सी और डी। ठीक है, और दूसरा सीक्वेंस हमने क्या किया, दूसरा सीक्वेंस हमने क्या बनाया, एक सेकंड, दूसरा सीक्वेंस हमने क्या किया, ये ए है, ए के बगल में हमने क्या कर दिया सी, सी के बगल में हमने क्या कर दिया बी, और बी के बगल में हमने क्या कर दिया डी। ठीक है, ये हमने आपके सामने लिख दिया, देखिए। ठीक है, अब इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो ए बी सी और डी ये चार ही लोग हैं, नीचे भी देखोगे तो ए बी सी डी है, बस क्या हो गया सीक्वेंस चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया सीक्वेंस चेंज कर दिया हमने। ठीक है, ये सीक्वेंस चेंज करना, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आप देखेंगे तो सेम है। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी ए बी सी डी ही है और नीचे भी ए बी सी डी है, अगर आप ओवरऑल काउंट करोगे तो ए बी सी डी है, लेकिन इनका जो लिखने का तरीका है वो हमने चेंज कर दिया, मींस बॉन्डिंग सीक्वेंस चेंज हो गया, कनेक्टिविटी में चेंजेस आ गए, यू नो। तो ये चीजें क्या कहलाती हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाती है। तो अब चलते हैं आगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपने ऐसे समझ लिया, अब मैं आपको समझाता हूं कि इसके एग्जांपल्स के थ्रू कुछ एग्जांपल्स हम आपको कराते हैं। जैसे पहला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है, चलो बताइए इसे, हाँ ठीक है ओके। तो अब आप इसको करना शुरू करेंगे, तो देखिए ये एक है, इनके हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने, तो देखो ये क्या है, चार कार्बन की एक चेन है, तो अगर स्ट्रक्चर करना है तो हम देखिए ऐसे कर सकते हैं इसको, दिस इज स्ट्रक्चरल, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन चार ही है टोटल, लेकिन हमने दूसरे कार्बन को उठा करके दूसरी जगह रख दिया। अभी आपको यह नहीं सोचना है कि ये पोजीशन है या चेन है, वो आगे की बात है, लेकिन अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें आपको, आपके साथ ये जो क्वेश्चन है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे ये जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना, इसकी पोजीशन अगर मैं चेंज कर दूं तो ये आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर हो जाएंगे। वैसे तो ये पोजीशन आइसोमर है, लेकिन यहां पर ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हो जाएंगे। तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करें
तो यहाँ पर दूसरी पोजीशन पर इन्होंने मिथाइल लगा दिया है। अब मैं क्या करूंगा, ये पांच कार्बन की जो चेन है इसमें मैं तीसरी पोजीशन पर मिथाइल लगा दूंगा, ठीक है, तीसरी पोजीशन पर मैं मिथाइल यहाँ पर लगा दिया। जब तीसरी पोजीशन में मिथाइल लगा दिया, इसका क्या मतलब हुआ कि आपने पोजीशन चेंज कर दी उसकी, और ये आपस में क्या हो गए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करने लगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो गया। इज इट क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं आपको चेन आइसोमेरिज्म बताऊंगा। जैसे यहां पर OH लगा दिया इन्होंने, तो भाई OH तीसरी पोजीशन पर है। अब मैं इसे चेंज करके, दूसरी पोजीशन पर लगा देता हूं। दूसरी पोजीशन पर हमने इसको यहां पर लगा दिया, ठीक है। यहां पर हमने दूसरी पोजीशन पर जब लगा दिया तो ये आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं पोजीशन आइसोमर की तरफ, चेन आइसोमर की तरफ कि भाई चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है। तो आइए देखते हैं चेन आइसोमेरिज्म। देखिए कोई भी आइसोमर हो, एक चीज तो एकदम क्लियर है ना, कि कोई भी आइसोमर हो आपके सामने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा हमेशा। चेंज क्या होगा, डिफरेंट क्या होगा, डिफर क्या करेगा, डिफर करेगा उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या डिफर करेगा, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इतनी चीज क्लियर है, सेम क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट क्या होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर भी वही चीज लिखी हुई है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और क्या डिफरेंट होगा, उनकी पैरेंट चेन डिफरेंट होगी, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल चेन या पैरेंट चेन डिफरेंट होगी। देखो सिंपल सी बात इतना समझ लो कि अगर चेन के साथ छेड़छाड़ हुई है, अगर चेन को चेंज किया गया, तो इसका मतलब चेन आइसोमेरिज्म। मतलब पहले चार कार्बन की चेन, बाद में उसको तीन कार्बन की चेन बना दो, तो इसका मतलब चेन के साथ आपने छेड़छाड़ करी है। तो जब चेन के साथ छेड़छाड़ हुई है यानी उसको कम किया गया है, तो इसका मतलब है कि वहां पर एक कार्बन को उठा के आपने साइड चेन में लगा दिया, या उसको उठा करके कहीं और लगा दिया, किसी और पोजीशन पर शिफ्ट कर दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने पेरेंट चेन को कम कर दिया है, पेरेंट चेन के साथ छेड़छाड़ करी है। तो जब पेरेंट चेन के साथ आप छेड़छाड़ करेंगे, इसका मतलब है कि आपने चेन आइसोमेरिज्म बताना चाह रहे हैं। जैसा कि पहले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे चेन आइसोमेरिज्म के, तो यहां पर आप देखिए ये चार कार्बन की चेन है, मैं इसको तीन कार्बन की करके और एक यहां पर साइड चेन लगा देता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका चेन आइसोमेरिज्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे में यहां पर पांच कार्बन दिए गए हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम पांच कार्बन की जगह में चार कार्बन की पेरेंट चेन बनाएंगे हम, और चार कार्बन की पेरेंट चेन बना करके और एक जगह यहां पर हम आपका कार्बन जोड़ देंगे। ये क्या हो गया, साइड चेन, ठीक है, ये साइड चेन हो गया। तो यहां पर ये क्या हो गया, ये आपका स्ट्रक्चरल सॉरी चेन आइसोमेरिज्म हो गया। अब देखो चेन आइसोमर के लिए जो बात हमने अभी आपको बताई वही यहां पर लिखी गई है। देखो क्या लिखा हुआ है कि अगर नंबर ऑफ चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन इज डिफरेंट, आपको क्या करना है, दोनों में पेरेंट चेन के कार्बन को चेक कर लेना है। अगर पेरेंट चेन में कार्बन डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या है, चेन आइसोमर, ठीक है। तो आपको अगर पेरेंट चेन में कार्बन कम या दूसरे में पेरेंट चेन में कार्बन ज्यादा या एक में कम एक में ज्यादा, तो ऐसे मिल रहे हैं, तो इट मींस यानी डिफरेंस आ रहा है कार्बन का पेरेंट चेन में, इट मींस चेन आइसोमर होगा, ठीक है। हालांकि इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी नहीं अभी, अभी मैं ऐसी आपको तरीके बता दूंगा जिससे, ऐसी ट्रिक आपका इंतजार कर रही है जिससे आप बिल्कुल कंपाउंड देख करके ये पता देंगे कि ये क्या है, ये चेन आइसोमर है या पोजीशन आइसोमर है, ठीक है भाई। चलो लेकिन फिलहाल पहले समझ लेते हैं चेन पोजीशन होते क्या है। अब देखिए पोजीशन आइसोमर क्या होता है, पोजीशन आइसोमर में भी क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही होगा, डिफरेंट होगा क्या, डिफरेंट होगा इनमें पोजीशंस। पोजीशन किस चीज की, या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की, या फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है, या और तीसरी चीज क्या, साइड चेन भी हो सकता है। इन चीज की पोजीशंस जब आप चेंज करोगे, वो खुद वर्ड बता रहा है कि अगर पोजीशन चेंज करा, किसी भी चीज का आपने पोजीशन चेंज करा, इट मींस कि वो क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे। तो आइए पोजीशन आइसोमर को हम लोग देखते हैं।
चलो, पोजीशन आइसोमर के लिए पहला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है और पहले क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन में हमने क्या किया, OH को लगाया है दूसरी पोजीशन पर, ये देखो 1, 2, 3, 4 और 5, तो हमने क्या किया दूसरी पोजीशन पर OH को लगा दिया। अब आप क्या करिए, इसको पोजीशन आइसोमर बनाने के लिए आप यहां पर OH लगा दो, ठीक है, आप यहां पर OH लगा दो या पहली पोजीशन पर OH को लगा दो, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे। तीसरे वाले में आप, दूसरे वाले में क्या किया गया है कि यहां पर Cl को सेकेंड कार्बन पर लगा दिया गया है, ठीक है, ये 1, 2, 3, तो आप क्या करो इसको पहली पोजीशन पर लगा दो, पहली या तीसरी में से किसी पर लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। अगले वाले में देखो जरा, अगले वाले में टोटल कितने कार्बन है, देखो यहां पर है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है टोटल, ठीक है, तो यहां पर जो डबल बॉन्ड आया है वो कौन सी पोजीशन पर आया है, दूसरी और तीसरी। तो अब हम क्या करिए, इसको पहले ड्रॉ करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, और अब क्या करेंगे यहां पर हम इसको डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब देखो इधर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, यानी कि अब जो डबल बॉन्ड है वो तीसरी और चौथी पोजीशन पर शिफ्ट हो चुका है, इट मींस डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया, इसका मतलब है ये आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर। इज इट क्लियर, वेरी क्लियर, एकदम क्लियर हो गया, आसान भाषा में समझ आ गया कि अगर चेन के साथ छेड़छाड़, चेन आइसोमर, अगर पोजीशन में चेंजेस आ गए, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, साइड चेन हो, फंक्शनल ग्रुप हो, इनके अगर पोजीशन को आपने चेंज किया, इसका मतलब ये है कि ये आपस में कैसे हैं, पोजीशन आइसोमर है। इज इट क्लियर, ओके, चलिए अब चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं बहुत अमेजिंग ट्रिक। देखो ट्रिक क्या है, इसको आसानी से समझेंगे, पहले आसानी से समझेंगे, आप पेन नीचे रख दीजिए, पेन कॉपी की तरफ से थोड़ा सा ध्यान हटाइए और स्क्रीन पर ध्यान रखिए, मेरी तरफ थोड़ा सा फोकस करिए और इस ट्रिक को अपने साथ अपनी पॉकेट में लेकर के जाइए, इतने आप ध्यान से समझिए, ठीक है, क्योंकि ये अगर आप समझ गए ना तो कोई भी क्वेश्चन हो, आसान हो या डिफरेंट हो, डिफिकल्ट हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप उसको कर ले जाओ, ठीक है, एकदम, मतलब मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि आप उस क्वेश्चन को कर पाओ, ठीक है। तो देखो अब यहां पर दो चीजें हैं, एक एक्स है और एक वाई, ठीक है, एक क्या है, एक्स है और वाई है, आप इधर देखिए जो लिखा हुआ है उसको बाद में समझते हैं, एक्स क्या है और वाई क्या है। तो एक्स क्या है, जैसे आपको दो कंपाउंड दिए जाएंगे, ये तो आपको पता है, अभी अभी आपने करेंगे कई सारे कंपाउंड, तो आपको दो कंपाउंड दिए जाएंगे और ये कहा जाएगा कि बताइए कि ये दोनों आपस में चेन आइसोमर है या पोजीशन आइसोमर है, हमें फिलहाल इतना ही समझते हैं, बाकी जो फंक्शनल और टॉटोमर मेटामर वो बात की बात है, बाद में समझेंगे, लेकिन हम फिलहाल चेन और पोजीशन में समझते हैं। तो कंपाउंड दिया गया और मान लीजिए आपसे पूछा गया कि ये आपस में चेन आइसोमर है या पोजीशन आइसोमर है, तो कैसे बताएंगे, तो जो कंपाउंड होगा उसमें एक पैरेंट चेन होगी, तो जितने भी कार्बन पैरेंट चेन में होंगे, जितने भी कार्बन पैरेंट चेन में होंगे वो एक्स होगा, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन इज एक्स, ठीक है, तो यहां पर हो गया कि पीसी में कितने कार्बन है वो आपको एक्स हो गया, ये यहां पर लिखा। दूसरा, अब जो पैरेंट चेन में साइड चेन लगी होगी, पैरेंट चेन आपने सेलेक्ट करी, उसमें साइड चेन लगी होगी, कितने साइड चेन ऐसे हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं कार्बन से, उनको काउंट कर लो, कितने साइड चेन ऐसे हैं जो कार्बन से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे मिथाइल लगाओ CH3, इथाइल लगाओ C2H5, साइनाइड लगाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाओ, एल्डिहाइड लगाओ, ठीक है, ये सारी जो कीटोन हो, तो ये क्या है, नंबर ऑफ साइड चेन स्टार्ट विद कार्बन, इनको काउंट कर लेना है, तो ये जो होगा वो वाई होगा, ये यहां पर वाई की जगह लिख लेना है, ठीक है। तो दो कंपाउंड होगा, दोनों में आपको ऐसा ही करना होगा, एक कंपाउंड में एक्स वाई लिखा, दूसरे कंपाउंड में एक्स वाई लिखा, अगर दोनों एक्स वाई मैच हो गए, दोनों कंपाउंड के एक्स वाई को मैच कराना है, पहले कंपाउंड का एक्स वाई लिखा, दूसरे कंपाउंड का एक्स वाई लिखा, मैच कराया, अगर दोनों मैच हो गए यानी सेम आ गया, अगर दोनों सेम हो गए
तो ये होंगे आपस में पोजीशन आइसोमर, ठीक है, दोनों कौन से हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर। लेकिन अगर सेम नहीं हुए तो वो कौन होंगे, यानी सेम नहीं का मतलब डिफरेंट हो जाएंगे, तो इसका मतलब वो क्या है, चेन आइसोमर। ठीक है, थोड़ा सा कम समझ आया होगा, क्वेश्चन में आएगा। आओ आइए क्वेश्चन में आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहले क्वेश्चन में देखो दो कंपाउंड आपके सामने दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि चलिए बताइए कि ये दोनों आपस में चेन आइसोमर हैं या पोजीशन आइसोमर है। अब कैसे बताना है, जरा ध्यान से पेन और कॉपी को नीचे रख दो, दो मिनट के लिए नजरें ऊपर करो, क्वेश्चन को ध्यान से समझो और फिर अगले बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर आने वाले हैं, उनको आप सॉल्व करो। देखो यहां पर आपके सामने क्वेश्चन एक बहुत अमेजिंग सा है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, चार, ठीक है, 1, 2, 3 और 4। तो हमने ट्रिक में पढ़ा कि आपको पैरेंट चेन सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट कर लिया, चार कार्बन की पैरेंट चेन है। ओके, तो पैरेंट चेन की जगह पर हमें पैरेंट चेन में कितने कार्बन है वो नंबर्स में लिखने हैं। तो पैरेंट चेन में चार कार्बन है तो एक्स हो गया 4। अब वाई की बात आती है, वाई जो है वो यानी साइड चेन, इसमें तो कोई साइड चेन है ही नहीं, पहले कंपाउंड में तो कोई साइड चेन ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जीरो हो गया, एकदम क्लियर हो गया। ओके, दूसरा कंपाउंड आइए, इसमें भी एक्स वाई लिखना है ना, तो यहां पर ये जो चीज है ये आपकी हो गई पेरेंट चेन, ठीक है, यहां पर कार्बन 1, 2 और 3, तीन कार्बन है, तो एक्स जो है वो हो गया 3, एक्स क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है, और एक साइड चेन दिया हुआ है CH3, यहां से देखो एक साइड चेन दिया हुआ है CH3, यानी कि जो साइड चेन हो गया यानी वाई जो हो गया, वाई में 1 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो है ना CH3 में एक कार्बन प्रेजेंट है, नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन साइड चेन ये क्या होता है, वाई, एक्स क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन पेरेंट चेन या मेन चेन, वो होता है एक्स, क्लियर। फिर हमने क्या बताया, दोनों को मैच करा दो, तो एक आया है 4-0, दूसरा आया है 3-1, तो दोनों आपस में मैच नहीं हो रहे हैं। जब दोनों आपस में मैच नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों डिफरेंट हैं, और डिफरेंट होने की वजह से ये आपस में कैसे हो गए, चेन आइसोमर। इज इट वेरी वेरी क्लियर, एकदम क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं रह गया दिमाग में। एक बार इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से इस क्वेश्चन को जब आप देख लेंगे तो सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। कोई डाउट है अगर आपके दिमाग में तो आप तुरंत पूछ सकते हैं। अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर है जिसमें तीन कंपाउंड आपको दिए गए हैं और आपको बताना ये है कि ये आपस में चेन आइसोमर है या पोजीशन आइसोमर है। चलिए चलिए भाई बताइए, ये आपस में चेन आइसोमर है या पोजीशन आइसोमर है, ये आपको बताना है। कुछ नहीं करना है, एक्स और वाई लिखना है जैसा कि अभी हम कर रहे हैं, चल रहे हैं, बस आप थोड़ा सा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, आपसे होगा ये क्वेश्चन 100% होगा, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, फोकस की जरूरत है। देखो 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 क्या करना है, यहां पर x लिखना है, x यानी नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन पेरेंट चेन, कितने कार्बन प्रेजेंट है, 5 कार्बन प्रेजेंट है, 5 कार्बन दिख रहे हैं, क्या कोई साइड चेन है, नहीं है, इसका मतलब जीरो हो गया, ठीक, कोई साइड चेन नहीं है इसका मतलब जीरो हो गया। तो अब यहां पर दूसरे कार्बन पर आते हैं, दूसरे कंपाउंड पर आते हैं, x यानी नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन पेरेंट चेन, पेरेंट चेन में टोटल कार्बन 4, देखो 1, 2, 3, 4, ठीक है, साइड चेन प्रेजेंट है यानी y प्रेजेंट है, y में कार्बन प्रेजेंट है, कौन सा, कितने कार्बन है, एक कार्बन है, इसलिए क्या लिखेंगे, 1। नेक्स्ट थर्ड वाले में आओ, थर्ड वाले में पेरेंट चेन जो है वो 3 कार्बन की है यानी x 3 हो गया, और जो साइड चेन है वो 2 है, एक ये है और दूसरा ये, तो y जो है वो 2 हो गया। तीनों आपस में डिफरेंट है, एक 5-0, एक 4-1, एक 3-2 है,
तो जब तीनों आपस में डिफरेंट हैं तो तीनों आपस में कैसे होंगे? चेन आइसोमर। कैसे होंगे? चेन आइसोमर। इज इट वेरी क्लियर? एकदम आसान भाषा में सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं क्या? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है क्या? आगे चलें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अब कई सारे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होंगे, इनको फटाफट सॉल्व करिए। दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक मिनट का टाइम है, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और जल्दी से बताइए कि ये क्या है, चेन आइसोमेरिज्म है या पोजिशन आइसोमेरिज्म है। चलिए बताइए, चेन आइसोमेरिज्म या पोजिशन आइसोमेरिज्म। चलिए देखिए, जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या है, कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं? देखो, एक तो ये है कार्बन, दूसरा ये है कार्बन, तीसरा ये कार्बन, चौथा ये कार्बन, पांचवा ये कार्बन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है पांच, तो यानी एक्स हो गया पांच। वाई हमें दिया है लेकिन उसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब वाई हो गया जीरो। अगले पर आते हैं, ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर। यानी जो एक्स है हमारा वो आ गया कितना, फोर। वाई में एक जगह OH है और एक जगह CH3 है, यहां पर क्या लिखा, CH3, तो यानी वाई वन हो गया। तो अगर आप देखोगे तो एक जगह आया है 50 और एक जगह आया है 41, यानी दोनों डिफरेंस हैं, यानी आपस में ये हो गए चेन आइसोमर। इज इट क्लियर? अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहां पर ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ठीक है। तो एक्स हो गया सिक्स और वाई हो गया जीरो, कोई साइड चेन है नहीं। यहां की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो प्रेजेंट होंगे वो फोर होंगे, वन, ये टू, ये थ्री, ये थ्री, और कहीं पर भी जाइए ये फोर हो गया। तो एक्स जो है बेटा वो फोर होगा और जो वाई होगा वो आई थिंक टू होगा। इज इट, इजंट इट, होगा वाई टू होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका चेन आइसोमर, क्योंकि आपस में ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है, इतनी बात एकदम क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से क्वेश्चंस करते रहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप इनको देखते रहिए, सॉल्व करते रहिए। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 6 और वाई जो है वो 0। यहां की अगर बात करेंगे तो एक्स है 5 और वाई है 1, यानी आपस में हो गए चेन आइसोमर, ठीक है। बहुत आसान से क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, तो बहुत जल्दी जल्दी आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, IUPAC को थोड़ा सा रिकॉल करिए और ध्यान दीजिए कि पैरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे। बस अगर इतना कर लिया तो आपका क्वेश्चन हो गया, पैरेंट चेन हो गया, फिर शॉर्ट ट्रिक लगा दो और काम खत्म। पैरेंट चेन अगर आपने कर लिया तो उसके बाद शॉर्ट ट्रिक लगा दो और काम पूरा का पूरा खत्म। देखो यहां पर आपको करना क्या है, आपको पैरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। तो भाई पैरेंट चेन कौन सेलेक्ट करेंगे, डबल बॉन्ड को कंसीडर करेंगे पैरेंट चेन के लिए, यानी यहां से शुरू होगा, इधर जाएगा और ये आपकी पैरेंट चेन सेलेक्ट हो जाएगी, हो गई। और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये हो गई, ठीक है, ये आपका हो गया। तो यहां पर कितने कार्बन इंक्लूडेड हैं ये देखेंगे, तो वन, ये हो गया टू, ये थ्री और ये फोर, ठीक है। तो एक्स होता है फोर और वाई होता है टू, एक ये है और दूसरा ये। इधर की अगर बात करेंगे तो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, एक्स होता है फाइव और वाई होता है वन, तो यानी दोनों डिफरेंस हैं, यानी आपस में ये कैसे हैं, चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। इज इट क्लियर? ओके चलिए, नेक्स्ट टू क्वेश्चंस इन योर स्क्रीन, सॉल्व इट फास्ट, जल्दी जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए अब पहले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो इसमें क्या करेंगे, पैरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये जस्ट सेकंड, पैरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे, हाँ जी
देखिए ये होती है पेरेंट चेन, इसमें ये पेरेंट चेन आप सेलेक्ट करेंगे इसमें, और ये जो है इस तरीके से, ठीक है, ये इसमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। तो अगर यहां पर आप x की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ x कितने आएंगे यहां पर 4, और y की बात करें अगर तो y आएगा कितना 2। ठीक है, हमें मेन का इससे कितने कार्बन अटैच हैं वो ही देखना है सिर्फ, ठीक है। और अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आता है 5 और y आते हैं बेटा आपके कितने 3, y आते हैं 2, ये सॉरी यहां तक नहीं होगा, ये यहां तक होगा, ठीक ये होगा 2, ठीक है, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। और इधर की अगर बात करेंगे तो x कितने हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल है 6, और जो y है बेटा वो आता है 2। तो यानी तीनों आपस में चेंज है, कोई सेम नहीं है। जब कोई सेम नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, सी आई है या पी आई है, सी आई है, चेन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर के भी आगे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है पोजीशन आइसोमर के भी, ठीक है। तो परेशान मत हो कि सब चेन चेन ही करवा दे रहे हैं, पोजीशन नहीं करवा रहे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सारे क्वेश्चन हैं, बस आप ध्यान लगा करके पढ़ते रहो, बिना स्किप किए, वीडियो को स्किप नहीं करना है कहीं पर भी, ठीक है, क्योंकि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपसे छूटेगा और आपके 4 नंबर चले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अभी थोड़ा सा मेहनत कर लो ताकि आपको बाद में ये ना करना पड़े कि एक क्वेश्चन और सही हो जाएगा तो आज मैं मेडिकल कॉलेज में होता या आज मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में होता, तो ये सब चीजें ना हो बाद में, इसलिए अभी काम थोड़ा सा अच्छा कर लो। यहां पर देखें अगर x की बात करें तो x आता है 5 और y आता है 0। यहां पर अगर बात करेंगे तो 4 कार्बन की पेरेंट चेन होगी और y 1 होगा, यानी ये आपस में सी आई होंगे, होंगे या नहीं बताइए। अब अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पी वाई क्यूज हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, तो इसलिए यहीं से आपका सारा काम हो जाएगा। आपने अगर आईयूपीएससी देखा है और आपने एमसीक्यू सॉल्व करे होंगे तो आपको दिखा होगा कि कई सारे बल्कि बहुत सारे आपको एमसीक्यूज मिल गए होंगे हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। चलो अब इसमें नंबरिंग कहां से करेंगे, कहां से नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे साइनाइड से। क्यों? क्योंकि साइनाइड में भी कार्बन इंक्लूड है, कार्बन प्रेजेंट है, तो नंबर यहां से होगा 1, ये होता है आपका 2, ये होता है 3, ये होता है 4, और अगर इधर बात करेंगे तो होता है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो x की अगर बात करूं मैं तो इधर x 4, y 1, और इधर बात करें तो x 5, y 0, तो इसका मतलब ये सी आई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब इस क्वेश्चन को देख करके बहुत मन कर रहा है कि इसको हम पोजीशन आइसोमर लिखते हैं, इस क्वेश्चन को देख करके बहुत मन कर रहा है कि इसको पोजीशन आइसोमर लिखते हैं। पहली बार आपके दिमाग में भी इस क्वेश्चन को देख करके आएगा कि पोजीशन आइसोमर लिखते हैं, लेकिन गलती से भी इसको पोजीशन आइसोमर मत लिखना, नहीं तो आपको सीधे सीधे 4 नंबर का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए ट्रिक लेकर के आए हैं कि देख करके नहीं बताना है, देखने से कई चीजें अपनी लगने लगती हैं, है ना, तो ये पास जाके देखते हैं तो वो अपनी नहीं होती। तो इसी तरीके से क्वेश्चन देख करके नहीं सॉल्व करना है, कर करके सॉल्व करना है, देख लिया और हो गया, ये नहीं। चलो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें, तो ये यहाँ पर कार्बन 1 प्रेजेंट है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यहीं से कम नंबरिंग करेंगे क्योंकि डबल 1 को प्रेफरेंस देते हैं। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, ये हो गया 4, ये 5, 5 कार्बन। तो अगर इधर x की बात करेंगे तो आता है 4 और y की बात करें तो आता है 1, ये y है 1, और इधर x है 5 और y है 0, इट मींस ये सी आई है क्योंकि आपस में ये डिफरेंट हैं, ये एक 4-1 है, 5-0 है, ये सी आई है ना कि पी आई है। पता चला, समझ में आया क्यों ये पी आई नहीं है, क्यों ये सी आई है, ठीक है, चेन के साथ छेड़छाड़ की गई है क्योंकि पहले में 4 कार्बन की पेरेंट चेन है, दूसरे में 5 कार्बन की पेरेंट चेन। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अदरवाइज गलत कर बैठोगे। देखो 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 देखो
ये कार्बन वन, ये कार्बन नंबर टू और ये कार्बन नंबर तीन, ये पेरेंट चेन होगा, ठीक है। और जो साइड चेन यानी वाई होगा, एक वाई ये, एक वाई ये, दो, तो एक्स थ्री वाई टू। इधर की बात करें तो यहां से चलेंगे वन टू थ्री फोर, तो ये हो गया एक्स थ्री एक्स फोर वाई टू, सॉरी वाई टू, दोनों में चेंज डिफरेंट आ रहे हैं एक्स वाई, तो इसका मतलब ये क्या होगा, सी आई या पी आई, सी आई। अगला, आगे 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 चलते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को खत्म करते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहां से धीरे धीरे आपके आप अच्छे क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फोकस बना करके रखिए। देखो अगर इधर चले तो ये आपका कार्बन नंबर वन, ये कार्बन नंबर टू, ये थ्री, ये फोर, ठीक है। इधर चले वन टू थ्री फोर फाइव, तो इधर देखिए एक्स फोर वाई वन और इधर देखिए एक्स फाइव वाई जीरो, इट मीन्स चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। एक्स देख करके ही आपको पता चल गया, इधर देखो, इधर देखो, देख करके ही बता पाओगे। देखो मैंने बताया था आप ट्रिक जो है ना वो आप देख करके ही बता सकते हो, ठीक है। तो अब वही चीज है, बहुत ज्यादा देखना भी नहीं है, पता चले देख देख के ही सारे चीजें गलत कर दो, तो ट्रिक को लगाना भी है, अप्लाई भी करना है। देखो यहां पर एक्स कितने हैं, एक्स है सिक्स और वाई कितने हैं, वाई है वन, और इधर देखें तो इधर जो है एक्स है आपका फाइव और वाई है आपका वन, तो टोटल क्या हो गया, डिफरेंट हो गए यानी चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और बताइए क्या आएगा। इधर देखो, इधर है एक्स सिक्स वाई जीरो, इधर है एक्स फाइव वाई वन, इसका मतलब चेन आइसोमेरिज्म हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए दिस इज सॉल्व। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टू क्वेश्चंस आर इन योर स्क्रीन, सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, एक्स कितना है सिक्स, वाई कितना है वन। दूसरा, एक्स है फाइव वाई है वन। तीसरा, एक्स है फोर वाई है वन, यानी सब आपस में चेंज है, यानी कि चेन आइस होगा या नहीं होगा, बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर अगर बात करें तो x है सिक्स वाई जीरो, एक्स फाइव वाई वन, एक्स थ्री वाई वन, आपस में चेंज यानी कि चेन आइसोमर क्या होगा, चेन आइसोमर होगा, ठीक है, चेन आइसोमर। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए और इसका आंसर आप लोग बताइए। देखिए इसमें कौन सी आप पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, देखो भाई ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, इधर जाएंगे तो छह कार्बन मिलेंगे, नीचे आएंगे तो छह और सात कार्बन मिल जाएंगे। इधर अगर चलें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फोर फाइव सिक्स, दोनों तरफ से आपको सिक्स मिलेंगे। तो अगर हम यहाँ पर बेटा एक्स वाई लिखें, एक्स और वाई लिखें और यहाँ एक्स वाई लिखें, तो आपको पता चलेगा कि ये हो जाएगा आपका सेवन और इधर हो जाएगा वन और इधर हो जाएगा आपका सिक्स और इधर हो जाएगा वन, यानी चेंज है फिलहाल, तो चेंज है, इसका मतलब ये क्या हो गया, चेन आइसोमर हो गया कि नहीं हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए 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 बताइए। देखो अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जल्दी से सॉल्व करिए तब हम आपको बताते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में आपको नंबरिंग की तरह से करनी है, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, टोटल कार्बन हो गए कितने,
सिक्स, ठीक है, छः, सिक्स कार्बन है। अगर इधर चलें तो इधर होगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। टोटल कार्बन है कितने, सिक्स, इधर भी सिक्स उधर भी सिक्स। और लेकिन अगर आप यहां पर एक्स सिक्स हो गया, वाई देखेंगे, वाई इधर है 2, और इधर अगर आप वाई देखोगे, एक्स तो 6 है, लेकिन इधर अगर आप वाई चेक करोगे तो वाई 1। दोनों आपस में सेम नहीं है, जब सेम नहीं है बेटा तो ये क्या हो गया, चेन आइसोमर। इज इट क्लियर? आसान। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करिए, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए और देखो क्या कुछ बदलाव हैं, कुछ चेंजेस है या नहीं। इस क्वेश्चन को बेटा थोड़ा सा आप चेंज कर लो, यहां पर एक मिथाइल और जोड़ दो। अब ये क्वेश्चन एकदम आसान हो गया, सरल हो गया थोड़ा सा, अदरवाइज कुछ था नहीं, सारा कुछ सही है। अगर वैसा रहता तो चेन आइसोमर हो जाता, बट हम सोच रहे हैं कि इसको पोजीशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 और वाई जो होगा वो 2 आएगा। इधर पर भी यही होगा, 6 और वाई 2 हो गया, इसका मतलब ये पोजीशन आइसोमर हो गया। क्या हो गया? पोजीशन आइसोमर हो गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, और इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। x हो गया 4, y हो गया 0, दोनों में यही होगा, इधर भी x 4, y 0, यानी ये क्या हो गया, पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर हो गया, ठीक है, एकदम क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखिए, इधर हो गया 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6। अब आप तो क्वेश्चन को देख करके ही पता कर पा रहे होंगे, ये हो गया आपका x 6 और y 0। इधर चलो, इधर हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो x हो गया 6 और y हो गया 0, यानी ये आपस में पोजीशन आइसोमर शो कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने ही वाला है और आ चुका है, ये देखिए जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए क्या होगा। देखो ये देख करके ही पता चल रहा है, 4 कार्बन है टोटल, टोटल 4 कार्बन है, वाई है नहीं, वाई 0 हो गया, इधर भी टोटल 4 कार्बन है, वाई 0 हो गया, इसका मतलब ये आपस में कैसे हो गए, पोजीशन आइसोमर हो गए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 पांच कार्बन, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह कार्बन, ठीक है, छह कार्बन है। अच्छा पोजीशन अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो इसको पोजीशन ही कर लो, इसको यहाँ ऐसे एक और बढ़ा लो, ठीक है, और ये आप इसको थोड़ा सा हटा लें, अगर 1, 2, 3। अब इसमें दोबारा से हम नंबरिंग कर लेते हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो x हो गया 6, y हो गया 0, इधर भी देखो x हो गया 6, y हो गया 0, इसका मतलब ये पोजीशन आइसोमर हो गया। कौन सा आइसोमर शो कर रहा है, ये पोजीशन आइसोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा अगर आप देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और फटाफट से इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। चलिए एकदम एक्टिव हो जाइए फटाफट से क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो देखो 1, 2, 3, 4 इधर देखें तो 1, 2, 3, 4, तो दोनों तरफ वाई एक्स 4, y1, इधर भी एक्स 4, y1, यानी पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। नेक्स्ट, इतनी तेज क्वेश्चन को करने की स्पीड बनाइए, ठीक है ना, जितनी तेज स्पीड होगी ना उतना ही मजा आएगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, सॉरी सॉल्व करने में। X3 Y2, X3 Y2 क्या हो गया, पोजीशन हो गया कि नहीं हो गया, चलो बताओ पोजीशन आइसोमर हो गया कि नहीं हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए देखिए, यहाँ पर टोटल 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 कार्बन है, एक साइड चेन है, यानी एक्स हो गया 5 और वाई हो गया 1। इधर देखें अगर तो 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, नंबरिंग इधर से करनी है, ऑल्दो जब नाम लिखना है तो नंबरिंग उधर से करनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स हो गया 5 और वाई हो गया 1, यानी नाम हो गया इसका जो आइसोमर हो गया वो कौन सा हो गया, पोजिशन दोनों सेम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ऑल्दो आपको पता चल रहा है साइक्लो ब्यूटेन है, बस पोजीशन चेंज है तो पोजीशन आइसोमर हो गया, वैसे भी अगर आप देखेंगे तो 4040 आएगा तो ये हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो 6060 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो नाम इसका क्या हो जाएगा, ये आपस में कैसे हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर ठीक है। इधर क्या होगा, X6Y0, यहाँ पर भी यही होगा, X6 होगा Y0 होगा, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में, पोजीशन आइसोमर, देख के ही पता चल रहा है। ओके नेक्स्ट, देखिए थोड़ा सा स्पीड इसलिए तेज है क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। अगर आप एकदम, आपको नहीं भी आता था ना तब भी आपको ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, आप इतना आसान लगने लगेंगे, बिल्कुल देखते ही आप उड़ा दोगे इन क्वेश्चंस को। चलो देखो भाई, इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो टोटल एक्स जो है वो 5 है ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, और वाई 0 है। इधर अगर आप देखेंगे तो यहां से शुरू होगा, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, तो x हो गया 5 और y हो गया यहां पर भी 0, इसका मतलब ये PI है, यानी कि पोजीशन आइसोमर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से होगा नंबरिंग, क्योंकि साइनाइड में C काउंट किया जाता है, 1, 2, 3, 4 और यहां से देखेंगे तो 1, 2, 3। अब देखो ये हो गया 3, एक्स 3, वाई 0 y1 और यहाँ पर x4 y0, यानी ये चेंज है, तो ये हो गया चेन आइसोमर। देखो चेंज और चेन दोनों c से शुरू हो रहे हैं, अगर चेंज मिल रहा है x y में तो इसका मतलब वो चेन आइसोमर होगा ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे अब आप देख करके एकदम बता पा रहे हैं, देखो चार कार्बन है, डबल बॉन्ड चेंज है, पोजीशन चेंज किया, यानी पोजीशन आइसोमर हो गया। लेकिन फिर भी बता देते हैं, x है 4, y है 0, इधर भी अगर देखेंगे तो x है 4 और y है 0, इट मींस इट इज पोजीशन आइसोमर। ये क्या है आपस में, पोजीशन आइसोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो आपको एकदम आसान, आसानी से दिख गया होगा कि ये क्या है आपस में, पोजीशन आइसोमर है। देखो भाई फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, देखो 1, 2, 3, 4 X4, Y0 इधर आओ, 1, 2, 2, 3, 4 X4, Y0 यानी कि PI, पोजीशन आइसोमर ठीक है, पोजीशन आइसोमर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बताइए, ये 1, ये 2, ये 3, इधर 1, 2, 3 दोनों तरफ X3 है, Y0 क्लोरीन को ये ना काउंट कर लेना इसका कार्बन, कि इधर Y1 हो गया सर, ये नहीं है, दोनों तरफ 30 आएगा, इसलिए ये आपस में क्या होगा, पोजीशन आइसोमर शो करेंगे, पोजीशन आइसोमर ये शो करेंगे। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये PYQ है ठीक है, ये PYQ है नीट का ठीक है, नीट का ही PYQ आपके सामने है, इसको जल्दी से, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से आप सॉल्व करिए और इसके बाद कल के लेक्चर में हम आपको और भी कई सारे क्वेश्चंस कराएंगे और साथ में कैसे कैलकुलेट करते हैं पोजीशन आइसोमर, इसका एक फॉर्मूला होता है वो भी आपको बताएंगे और उस पर बेस भी कई सारे क्वेश्चंस हम आपसे कराएंगे। अब इसमें देखो आपको करना क्या है, जैसे ये जो दिया हुआ है ये फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है और ये थर्ड नंबर है ठीक है, तीनों आपस में कैसे हैं, पहला और दूसरा ये किस टाइप के आइसोमेरिज्म शो करेंगे आपस में, सेकंड और थर्ड ये आपस में किस तरीके के आइसोमेरिज्म शो करेंगे, और थर्ड और फर्स्ट ये आपस में कैसी आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो कैसे पता कर पाएंगे, कैसे पता चलेगा कि कैसी आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं,
तो ये ऐसे पता चलेगा, एक्स वाई निकाल दो, दोनों तीनों में एक्स वाई पता करके निकाल दो जल्दी से, और आपको पता चल जाएगा ये आपस में कैसे। ठीक है, तो इधर देखते हैं, पहले वाले में अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो यहां पर x आएगा 5 और y आएगा 1, 1 2 3 4 5, ठीक है, और y 1। दूसरे वाले में अगर आप देखेंगे तो इसमें टोटल कितने आएंगे, y आएगा 1 2 3 4 5, x आएगा 5 और y आएगा 1। ठीक है, इधर देखोगे तो 1 2 3 4, x आएगा आपका 4 और जो y है वो आएगा 2। तो यानी अगर पहला और दूसरा देखो तो आपस में कैसा है, पोजीशन आइसोमर है, दूसरा और तीसरा आपस में चैन आइसोमर है, और तीसरा और सॉरी पहला और तीसरा आपस में चेन आइसोमर है, क्योंकि ये सब डिफरेंट है। ठीक है, इसके बाद भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, अभी नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या जिपमर में और आपकी जेई मेंस के भी कई सारे क्वेश्चंस हैं अभी मेरे पास, लेकिन अभी आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही पढ़ेंगे। और एक बार फिर से, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलो, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको इस लेक्चर में कितना समझ में आया, ठीक है, और कौन सा पार्ट ऐसा था जो आपको सबसे ज़्यादा समझ में आ गया, ठीक है, और कहाँ पर आपको थोड़ा सा कम समझ में आया, ठीक है, तो उस पर नेक्स्ट क्लास में एक आध दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा देंगे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान भाषा में समझा रहे हैं, इससे आसान में नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, चैनल को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है, और लोगों तक शेयर जरूर करना है। ठीक है, ये काम आपको जरूर करना है, ठीक है, क्योंकि शेयर करने से आपको बहुत पुण्य मिलता है। ठीक है, तो शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक और कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर, ठीक है, जो आइसोमेरिज्म का लास्ट पहला लेक्चर है। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आइसोमेरिज्म के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।